बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11। रेफरेंस बुक ऑब्वियसली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। सो फर्स्ट हम देखते हैं आउटलाइन। केमिकल कंपोनेंट्स नीड टू मेक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो के केमिकल कंपोनेंट्स नेचुरली अकरिंग है 92 एलिमेंट्स, वो हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स उन्हें देखेंगे। Then is bioelements. Six bioelements account for 99% of total mass. Means के total body की composition के लिए main जो basic elements हैं वो six bioelements होंगे। Then is biological organization, a complex process. Levels of biological organization, atomic and subatomic level, molecular level, organelles and cell level, tissue level, organ and organ system level, individual means whole organism, एक individual organism, for example एक individual human being. Then is population, community, living world in a space. So let's start. First अगर हम बात करें bio elements, total हम देखें तो naturally occurring हमारे पास 92 elements होते हैं, chemical elements, okay? जिनमें से सिर्फ 16 वो commonly used elements हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए यूज होते हैं। ये जो 16 यूज होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। इन 16 एलिमेंट्स को और चंद एक और हैं, इन एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो एलिमेंट्स हैं स्पेसिफिकली इन्हें हम नेम देते हैं बायो एलिमेंट्स। तो 16 एलिमेंट्स में वन इज ऑक्सीजन, देन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और बाकी 10 ये हैं, ठीक है। अब इन 16 एलिमेंट्स में जो 99% अकाउंट करते हैं टोटल मास की फॉर्मेशन के लिए वो है 6 बायो एलिमेंट्स। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, जिनकी परसेंटेज है आउट ऑफ 99% 65%। देन इज कार्बन विच इज 18%, हाइड्रोजन विच इज 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1%। अब ये 6 जो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 99% ऑफ बॉडी मास बनाते हैं, इनको याद करने के लिए सेंटेंस है वन कैट हैज नाइस केक पीस, ओके। तो वन फॉर ऑक्सीजन कैट सी कार्बन, एच हैज हाइड्रोजन, एम नाइट्रोजन नाइस, एंड केक सी, एंड द लास्ट वन इज पीस फॉस्फोरस। सो वन कैट हैज नाइस केक पीस, ये आप सेंटेंस याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा सीक्वेंस वाइज भी कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कार्बन की एंड सबसे कम जो है वो फास्फोरस की है आउट ऑफ 6 बायो एलिमेंट्स, और इसका ऑर्डर भी याद हो जाएगा कि कौन कौन से बायो एलिमेंट्स हैं। ये जो ग्राफ है ये है रिलेटिव मास, मीन्स कितना मास अकाउंट करते हैं कौन सा एलिमेंट, ये उसके अकॉर्डिंग। तो दूसरे बायो एलिमेंट्स हैं 10 है, वो अबाउट 1% है, वो अकाउंट मतलब 1% में ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो के ये बायो एलिमेंट्स हैं जो के पूरे बॉडी मास की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज पोटेशियम 0.35%, देन इज सल्फर, सल्फर इज 0.25%, देन क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.115%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%। देन कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिनकी बहुत ही कम तादाद है, लाइक ट्रेस अमाउंट में है वो, ये भी बायो एलिमेंट्स ऑब्वियसली बट ट्रेस अमाउंट में। फर्स्ट इज कॉपर, देन मैग्नीज, देन जिंक एंड आयोडीन, ये चार ट्रेस एलिमेंट्स हैं। सो ये थे 16 बायो एलिमेंट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सिग्निफिकेंस क्या है इन बायो एलिमेंट्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन में। तो फैक्ट ये कि जो 16 केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में है ऑब्वियसली, ये एक दूसरे से इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करती हैं। लिविंग वर्ल्ड मीन्स के ऐसा ह्यूमन, अगर हम कहें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग वर्ल्ड, मीन्स के नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनमें इन चीज़ों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी।
जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएट करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशिएशन हो जाती है। नाउ मूव टुवर्ड्स द मेन थिंग, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी है और हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चल रहे होते हैं बॉडी में, तो उनको डिस्टिंग्विश करना नॉन लिविंग थिंग्स से इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सेकेंड इज लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या होती है? जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ अपने स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को मेंटेन करें जो कि बॉडी में प्रेजेंट है। सो आफ्टर डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग हम कंपोजिशन देखते हैं कि लिविंग जो जस्टिफाई कर सके कि लिविंग थिंग होती क्या है। इसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉरी लिविंग सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं सॉरी। सो आफ्टर डेफिनेशन हम देखें लिविंग थिंग कंपोज्ड किस चीज से होती है। हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स आती हैं, जो ये जस्टिफाई करती हैं कि सेल जो है वो एक लिविंग सब्सटेंस है और सेल से ही एक लाइफ या एक इंडिविजुअल बना है। तो ये डिफरेंट फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं। अगर हम इन्हें देखें तो यहाँ पर फर्स्ट इज एटम, देन मॉलिक्यूल, देन सेल ऑर्गेनेल्स, उससे फिर बना सेल, देन टिश्यूज, देन ऑर्गन, सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, ये सारा, ये बायोस्फीयर, बायोमा। फर्स्ट जो बेसिक जो यूनिट है अंडरस्टैंड करने के लिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, वो है एटम। एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मिलकर बनाते हैं सेल। फिर डिफरेंट सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज बनाएंगे ऑर्गन, एंड डिफरेंट ऑर्गन एक सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स को अरेंज करेंगे जो जिनका फंक्शन एक स्पेसिफिक काम के लिए होगा। एट टिश्यू लेवल और एट सेल लेवल जो हम कह सकते हैं फंक्शन है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड या इतना स्पेसिफिक नहीं होता, बट एट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड और स्पेसिफिक हो जाता है एक स्पेसिफिक काम के लिए। देन इज ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, एंड देन बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, बायोमा। फर्स्ट जो है लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग जो मैटर है वो सिंपल यूनिट जो बेसिक यूनिट से बने होते हैं जिसे हम एटम कहते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर भी फिर डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जिससे एटम बना होता है। ये अगर हम देखें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये एक कार्बन का एटम है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये इसकी थोड़ी डिफरेंट एक पिक्चर आ जाती है 3D टाइप, जिसमें ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में है, एटम का न्यूक्लियस, एंड देन ये ऑर्बिट्स हैं जिसके गेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वी कैन से। देन इज मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में हम देखें व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है क्या। एटम की वो स्टेबल फॉर्म जो कि एग्जिस्ट करती हो, स्टेबल हो, वो फॉर्म जो स्टेबल हो उससे हम कहेंगे मॉलिक्यूल, स्टेबल फॉर्म ऑफ एन एटम। एटम यूजली जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म्स में नहीं होते। एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स के जरिए, आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए, और वो कंपाउंड्स बनाते हैं, या हम कह सकते हैं वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो स्टेबल फॉर्म होती है कंपाउंड को उससे हम कहते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें हम फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये कॉमन एटम्स हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम देखें तो इनकी बॉन्डिंग
कैसे होती है, केमिकल रिएक्शन के जरिए इनकी बॉन्डिंग होगी। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये आयनिंग, ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, शेयरिंग के जरिए वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है, एंड वाटर इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट बॉन्ड बॉन्ड्स की बेसिस पर है जो कि अलाउ करती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, ताकि उनमें डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी आ सके और वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जनरेट हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें है मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड देन इज माइक्रोमोलिक्यूल्स। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, हाई मॉलिक्यूलर वेट्स मॉलिक्यूल्स। इसमें आ जाती है स्टार्च, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, लिग्निन, आरएनए, प्रोटीन्स अगेन, जिनमें मॉलिक्यूल्स जो एटम्स की तादाद हो वो 10,000 से या 10,000 से ज्यादा हो, ठीक है, और जो 10,000 से कम होगी वो माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब हम इसकी देखते हैं टाइप्स, जो कि बायोलॉजिकल वर्ड में इसकी टू डिफरेंट टाइप्स है मॉलिक्यूल्स की। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स इंक्लूड हो, ये बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स इंक्लूड ना हो। अब किस तरह कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स इंक्लूड ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी हमने देखा कार्बन हाइड्रोजन एटम इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एटम इंक्लूड है और वो इनऑर्गेनिक है, लेकिन शर्त ये है कि वो इकट्ठे ना हो, नॉट मतलब इकट्ठे प्रेजेंट ना हो किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, वाटर। एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल मिथेन, CH4 एंड C6H12O6, ग्लूकोज। देन इज अगर हम एक और यहाँ पर एक और हम बात देखें तो जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और जो एबंडेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक मेन टाइप्स है ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत एबंडेंट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में ATP, ADP एक्सेट्रा। ग्लूकोज इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, बट जो हम अगर एक बात देखें ये ग्लूकोज अगर मैक्रो मॉलिक्यूल है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है और माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल। डिफरेंट माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक वे में और बनाते हैं सेल्स और ऑर्गेनेल्स। सिंपल ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट्स, इनके केस में जो सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल पर कंसिस्ट होता है। ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें सब सेलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइट्रोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल एक्सेट्रा। अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेसिस पर इनके नेम्स और इनका जो काम है वो मिलकर एक सेल का फंक्शन बनाते हैं। मींस के एक जो सेल का फंक्शन होता है, जो सेल जिस तरीके से काम करता है वो बेसिकली इन ऑर्गेनेल्स के फंक्शन की बेस पर होता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ सेल्स है दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और इन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस होता है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। जो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स होती है ना वो एक सेल के अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वो एक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स में लिमिटेड नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड इन द सेल जिसमें ऑर्गेनेल्स फ्लोट करती हैं, प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोट्स में रिच नंबर ऑर्गेनेल्स होती हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस ये भी है कि प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेनस नहीं होती, यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेनस होती हैं, ठीक है।
और इसके अलावा न्यूक्लियस का डिफरेंस है. सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस के बारे में एंड ऑर्गेनेल्स एंड सेल. हाउएवर अगर इस यहाँ पे एक आपको एक और बात बताती चलूँ, जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऑर्गेनेल ही नहीं होती, ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियस भी दोनों में, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस का मेनली डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, डीएनए होता है. सो या आरएनए. सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक ऑर्गेनेल नहीं है, ये तमाम सेल्स में प्रेजेंट होगी. नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल. फर्स्ट हम देखते हैं टिश्यू की डेफिनेशन. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल्स टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस. सो इसमें जो सिमिलर सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे एक पैटर्न में, बंडल्स की फॉर्म में और शीट की फॉर्म में, लूज शीट्स की फॉर्म में, और एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे. सिमिलर फंक्शन मींस सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होके एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इन्हें हम कहते हैं टिश्यूज. फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू, जाइलम टिश्यू. मसल टिश्यू अगर हम देखें एनिमल्स के केस में, सो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सेल्स एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. जाइलम टिश्यू वाटर ट्रांसपोर्ट में. अगर हम फंक्शन देखें, ये हमने इनका फंक्शन देख लिया, जाइलम टिश्यू कंडक्टिंग वाटर. टाइप्स, सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू. सिंपल टिश्यू की अगर हम डेफिनेशन देखें, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन फॉर अ सेम पर्पस. फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स की बात हो गई. देन कंपाउंड टिश्यूज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस फॉर द सेम पर्पस. अब इनमें डिफरेंस क्या है? सिमिलर सेल्स एक जैसे सेल्स का ग्रुप सिंपल टिश्यू के केस में ऑर्गेनाइज्ड होता है और एक खास मकसद के लिए सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, जबकि कंपाउंड टिश्यू में डिफरेंट सेल्स जिनका डिफरेंट फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डिफरेंटली फंक्शन करते हैं. एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल जाइलम टिश्यू है, इसमें जाइलम फाइबर्स भी हैं, पैरेन्काइमस सेल्स भी हैं, और ये जो सेल्स हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन पर्पस एंड पे सेम ही है, वाटर ट्रांसपोर्ट ही है, कंडक्ट करना वाटर को. ठीक है, सो हम ये बात कर सकते हैं. एक और एग्जांपल है फ्लोएम टिश्यू की, जिसमें शुगर की ट्रांसलोकेशन होती है, प्रोटीन्स की, फूड जो है प्लांट सेल प्लांट प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम टिश्यू होता है. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टिश्यू लेवल. नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. एक बेसिक सा दोबारा सिंपल वर्सेस कंपाउंड टिश्यूज को देख लेते हैं. सिंपल टिश्यू इज अ प्लांट टिश्यू जिसमें एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अगर हमने प्लांट के परस्पेक्टिव से यहाँ पे बात करें, वो प्लांट टिश्यू जिसमें एक ज्यादा सेल्स होते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, तो यहाँ पे मोर देन वन टाइप सेम थिंग है. फिर सिंपल टिश्यू में इट कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, सिक्रीशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में गैस एक्सचेंज, सिक्रीशन ऑफ क्यूटिकल और फूड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये स्टोरेज करता है फूड की और ये ट्रांसपोर्ट के लिए. एग्जांपल अगर हम देखें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और इसमें एपिडर्मिस, पेरिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम. जाइलम फ्लोएम इट्स ऑन मेजर लेवल. ठीक है, और सिंपल टिश्यू ये माइनर लेवल पे आगे पैरेन्काइमा बेसिक स्ट्रक्चर्स. देन मूव टुवर्ड्स ऑर्गन एंड सिस्टम. फर्स्ट इज ऑर्गन. डिफरेंट टिश्यूज जिनके फंक्शंस आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ असेंबल होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, जो वो स्ट्रक्चर जो होगा वो एक फंक्शन कैरीड आउट करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा. ऑर्गन लेवल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो ग्रेट बहुत हम कह सकते हैं
ग्रेट एफिशिएंसी से फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गन्स कहते हैं और ये एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिवर की, लिवर इज एन ऑर्गन, ठीक है। अगर हम बात करें स्टमक की, स्टमक भी एक ऑर्गन है। स्टमक का फंक्शन क्या है कि वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। इवन दो स्टमक में फुल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती फूड की, इसलिए अगर हम देखें तो स्टमक जो है वो प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन करता है, ठीक है। और उसमें एक सिक्रेटरी एपिथीलियम होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं जिनकी कंट्रैक्शन से जो है स्टमक फूड को मिक्स करता है। फिर सिक्रेटरी एपिथीलियम एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि मिक्स होता है फूड के साथ और फूड को पार्शियली डिजेस्ट भी करता है, और सेकेंडली उसको पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव भी करता है, मीन्स के टूवर्ड्स इंटेस्टाइन, ठीक है। सो अगर हम यहाँ देखें स्किन की एक और ऑर्गन की एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि फॉर एग्जाम्पल स्किन है, ताकि बेटर समझ आ जाए, बेहतर तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। स्किन, स्किन भी एक ऑर्गन है, ठीक है। अब स्किन में डिफरेंट, स्किन हमारे लिए एक सिस्टम हम कह सकते हैं, स्किन मिलकर एक सिस्टम बनाता है। स्किन इज एन ऑर्गन बट वो मिलकर एक सिस्टम बना रहा है, इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स मिलकर एक रिलेटेड फंक्शंस के लिए एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब स्किन में देखें हेयर और नर्व फाइबर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हेयर आप प्लक करते हो आपको पेन फील होती है, दैट इज ड्यू टू दिस नर्व फाइबर। Here it is. Then is hair follicle, जहाँ से hair grow करते हैं। Blood capillaries, in case of injury, हमें कैसे पता चलेगा? Blood release होगा, that's why. Then is pores, epidermis, pores जिनसे sweat release होता है। Epidermis, dermis, epidermis outer layer, dermis inner layer, hypodermis, last पहले ये hypodermal layer. Sweat glands होते हैं, sweat release होता है। Skin is an a very 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 important system, okay? Sweat glands sweat release करते हैं, homeostasis maintain करते हैं, thermoregulation में help करते हैं, veins arteries sebaceous glands sebum release करते हैं। Then we move towards organs की definition, अगर हम sorry organs अगर हम purpose देखें किस चीज़ के लिए specialized होते हैं, so organs are specialized to perform specific functions. फॉर एग्जाम्पल स्टमिक हैज पार्ट्स जो कि मैंने पहले भी बताया फूड डाइजेशन के लिए, ये अगर हम देखें तो ये एसोफेगस से फूड यहाँ आएगा, ये स्टमिक की ये कर्वेचर्स हैं, ये यहाँ पर मसल्स हैं स्मूथ मसल्स जो कि फूड को कंट्रैक्ट करेंगे फूड की मिक्सिंग में हेल्प करेंगे, और जो पोस्टीरियर पार्ट की बात है वो यहाँ पर, ये पोस्टीरियर की तरफ ड्यूटिनम जो कि फर्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस तरफ फूड मूव करेगा, ठीक है। ऑर्गन्स की फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो एनिमल्स में जो ऑर्गन्स बनते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है वो कम्प्लेक्स होती है और डिफाइंड होती है, ठीक है, स्पेसिफिक होती है, और जो ऑब्वियसली बात है ऑर्गन्स पार्ट है ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम की जहाँ तक बात है अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑर्गन सिस्टम में एसोफेगस, स्टमक और फिर इंटेस्टाइन्स, रेक्टम, जो सारा सिस्टम है ना जिसमें सारे ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा सिस्टम एक स्पेसिफिक वर्क को, एक स्पेसिफिक फिनोमेना, एक प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, लेकर चलते हैं, वो एक ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कि कंप्लीट एक जो बाइट हम लेते हैं उसको किस तरह बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करवाना, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम। तो दोबारा आते हैं प्लांट्स में ऑर्गन्स कैसे फॉर्म करेंगे। प्लांट्स में जो फॉर्मेशन है ऑर्गन्स की वो होगी लेस डेफिनेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल रूट्स, शूट्स, फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, इतनी स्पेसिफिक नहीं है, कम्प्लेक्सिटी होती है लेकिन इतनी कम्प्लेक्स नहीं होते, लेस डेफिनेट होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, इट इज लेस डेफिनेट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, लीव्स होते हैं, क्लियर कट फंक्शन है इसमें, ठीक है। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स होल्ड करती है प्लांट को, फूड को स्टोरेज करती है, सॉरी फूड के स्टोरेज के लिए इम्पोर्टेंट है, और वाटर और मिनरल्स को प्लांट तक पहुंचाती है। शूट शूट सपोर्ट करती है पूरी एंटायर प्लांट को,
लीव्स प्राइमरी ऑर्गन्स हैं फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए, फ्लावर्स जो हैं वो उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। लास्ट इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स का कम्प्लेक्स किस तरह होता है, ये एसोसिएट है फंक्शंस के अकॉर्डिंग। जितने ज्यादा फंक्शंस होंगे, रेंज ऑफ फंक्शंस के अकॉर्डिंग, और जितनी ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी उतना सिस्टम कम्प्लेक्स होगा। प्लांट्स में उतने फंक्शंस नहीं होते एज कम्पेयर टू एनिमल्स, इसलिए प्लांट्स की कम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म लेवल। इसे हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकल लेवल। इकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं उसमें जो सबसे छोटा लेवल है, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें उसमें सबसे स्मॉल लेवल इज इंडिविजुअल लेवल। व्हाट इज इंडिविजुअल? मैनी ऑर्गन्स इन प्लांट्स एसोसिएट टूगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। ये होगी प्लांट की पर्सपेक्टिव से, क्योंकि प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, प्लांट में ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, मैनी ऑर्गन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट इज एन ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा एनिमल्स में एसोसिएट करते हैं ताकि बना सके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड्स इंडिविजुअलिटी। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में अपने हद तक एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर, जिसकी बेस पे वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स और अपनी ही सेम स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स से डिफर करता है सर्टेन एस्पेक्ट्स में। ठीक है, वेरियस फंक्शन प्रोसेसेस और हम कह सकते हैं एक्टिविटीज एक ऑर्गेनिज्म की वो कोऑर्डिनेट करती है, तभी तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बेसिकली कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट ऑर्गन्स की। ठीक है, एनिमल्स में तमाम जो ऑर्गन सिस्टम है वो वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं और एनिमल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल इफ अ मैन इज एंगेज्ड इन कंटीन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज। अब एक शख्स जो कि एक्सरसाइज कर रहा है, ना सिर्फ उसके मसल्स काम करेंगे, ठीक है, बल्कि उसकी रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होगा, उसका हार्ट बीट की सप्लाई भी मसल्स की तरफ इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन भी इंक्रीज होगी, और इसके अलावा जो फूड उसे कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए होगा वो भी ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होगा। ठीक है, तो डिफरेंट सिस्टम्स नर्वस एंडोक्राइन डिफरेंट सिस्टम्स कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन परफॉर्म करना। जबकि अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में ये हॉर्मोन्स के जरिए भी अचीव हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं हॉर्मोन्स के जरिए फंक्शन हो तो सकता है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म फंक्शन होगा। हॉर्मोन्स एट स्लो रेट काम करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म फंक्शन परफॉर्म होगा। लेकिन प्लांट्स में मोस्टली जो हम कहते हैं अचीव ही होता है वो हॉर्मोन के जरिए ही, कोई भी एक्टिविटी कोई भी फंक्शन जो होता है वो हॉर्मोन के जरिए ही होता है। क्योंकि इसमें अगर हम देखें मस्कुलर सिस्टम तो ऐसा कोई नहीं है प्लांट में, सिस्टम्स नहीं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सो इट इज अबाउट इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ सेम प्लेस, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में ग्रुप को क्यों हाईलाइट किया गया है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, डिफरेंट ह्यूमन, अगर हम बात करें 2%, 4%, 5% और या हम कह सकते हैं 1000 पीपल की पॉपुलेशन है, तो ये ह्यूमन की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज एक ही जगह पे इन अ सेम प्लेस और एट सेम टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में भी, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, पॉपुलेशन ऑफ रैट इन योर सिटी एक्सेट्रा। पॉपुलेशन एक एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल लेवल हायर लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व होगी, है ना, इवन तो सेम ऑर्गेनिज्म की ज्यादा स्पीशीज है। ठीक है,
तो इसकी कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स हैं। तो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर एक्सेट्रा। ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये क्यों जनरेट हुए? पॉपुलेशन की वजह से। अब अगर हम देखें कि थोड़ी सी डिटेल में जाएं, थोड़ी सी डिटेल में, तो पॉपुलेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूट करना कि स्पेसिफिक एज के, मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें, मैन की बात करें, तो फीमेल्स और मेल्स में डिफरेंस, ठीक है। सेकेंडली एज डिस्ट्रीब्यूशन, टीनेज और देन 20s एंड 30s, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कि किस स्पेसिफिक जगह पे कितने ज़्यादा लोग हैं और किस स्पेसिफिक जगह पर उनकी क्या एक्टिविटी है, पॉपुलेशन प्रेशर एक्सेट्रा। देन इज कम्युनिटी, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ सेम हैबिटेट फॉर्म्स अ कम्युनिटी। अब ये पॉपुलेशन है मीन्स सेम स्पीशीज सेम हैबिटेट में एक टाइम पे। कम्युनिटी, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज आ गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज एक ही टाइम पर एक हैबिटेट में कम्युनिटी फॉर्म कर रही हैं। देन इज लिविंग वर्ल्ड इन अ स्पेस, जिसको हम कह सकते हैं इसमें आ जाता है बायोस्फीयर, ठीक है। सो अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि कितनी एनॉर्मस साइज की हमारी हमारा वर्ल्ड है, रिप्रोडक्टिव और एवोल्यूशन कितनी ज़्यादा है इस दुनिया में, प्लैनेट अर्थ पर, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बायोस्फीयर क्या होगा? बायोस्फीयर होगा लिविंग वर्ल्ड, मीन्स कि जो हमारा वर्ल्ड है लिविंग वर्ल्ड, ये बायोस्फीयर है। इसके ऊपर अगर हम मूव करें, लेयर्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, ये एक स्फीयर्स है जो लिविंग पार्ट है, स्पेस का जो लिविंग पार्ट है दैट इज बायोस्फीयर। तो स्पेस में डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स की, जो अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं, उसको हम बायोम के जरिए स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज बायोम? लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। डिफरेंट बायोम्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन डिफरेंट एनवायरमेंट के बेस पर इन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया। फॉर एग्जाम्पल रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, यहाँ आप देख सकते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट, डेजर्ट, टुंड्रा, डिसीडियस फॉरेस्ट, श्रब लैंड, मेरीन एंड रिवर, मेरीन या आप कह सकते हैं रिवर फ्रेश वाटर, ठीक है। ये क्लाइमेट के बेस पर डिटरमाइन किए गए हैं, ठीक है। सो ये थे बायोम्स और हमने पढ़ा बायोस्फीयर। That was all from my side. I hope that आपको समझ आया होगा. Thank you and don't forget to subscribe. Allah Hafiz.